रूस के रक्षा मंत्रालय ने जापोरिजिया इलाके में एक रोबोटिक मशीन गन का एक्शन वीडियो जारी किया है। एक बड़ी कैलिबर मशीन गन के साथ रोबोट लगातार फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में रोबोट युद्धाभ्यास के दौरान रूसी सैनिकों को लीड भी कर रहा है। कहा जा रहा है कि रूसी सेना द्वारा रोबोट मशीन गन का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जा रहा है जहां दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई काफी नजदीक से होती है। ऐसी लड़ाई में सैनिकों के मारे जाने का खतरा बना रहता है। बाखमुत हो या जापोरिजिया, दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर जंग लड़े हैं, यानी रूस और यूक्रेन के। अपने सैनिकों को बचाने के लिए इन इलाकों में रूस इन रोबोटिक मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहा है। रोबोट आगे बढ़कर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है और रूसी सैनिक रोबोट को बैकअप देते हैं। रोबोट मशीन गन के आने से रूस की सेना की मारक क्षमता और बढ़ने का अनुमान है। ओह, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर